हेलो क्लास, आज मैं आपको हिंदी बसंत में पाठ 12 कंचा जो कहानी है उसके विषय में बताऊंगी, जिसके लेखक हिंदी साहित्य के महान रचनाकार टी पद्मनाभन जी है। ठीक है, कौन है टी पद्मनाभन? तो सबसे पहले इनके जीवन परिचय के विषय में जान लेते हैं कि इनके जीवन काल कैसा रहा, इनका जन्म कब हुआ, इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई, इन्होंने किन किन उसमें समारोहों में या स्वतंत्रता संग्राम वगैरह में जो भाग लिया था उनके विषय में, और इन्होंने कौन कौन सी कहानियाँ और उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो इसमें यही बताया गया है, इनका जीवन परिचय है वो ये है कि टी पद्मनाभन जो इस कहानी के लेखक हैं, इनका जन्म 1 जनवरी 1931 को केरल के एक गरीब परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल के एक गरीब परिवार में। कहा था? कन्नूर के निकट था। प्रारंभिक शिक्षा के दौरान यह छात्र राजनीति में भी अत्यधिक सक्रिय रहे हैं। जबकि यहाँ इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी उस दौरान ये छात्र राजनीति में भी इनको बहुत रुचि थी, उसमें भी इनकी सक्रियता देखने को मिली है और स्वतंत्रता संग्राम में भी इन्होंने भाग लिया था। इन्होंने कानून में स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। स्नातक की उपाधि किसमें की थी इन्होंने? कानून में। और 19 वर्ष में लेखन कार्य इन्होंने शुरू किया था, मतलब 19 साल की उम्र में इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। टी पद्मनाभन ने 170 से अधिक कहानियां लिखी हैं। ठीक है, इनकी जो कहानियां हैं वो 170 से भी अधिक हैं, और भी उन्होंने अनेक रचनाएं अपने जीवन काल में की हैं। तो ये था इनका जीवन परिचय। और कंचा जो कहानी है इसके विषय में हम संक्षेप में जान लेते हैं कि इस पाठ में जो ये लेखक थे टी पद्मनाभन, उन्होंने किसके विषय में बताया है या किस बारे में बताया है। इस कहानी में उन्होंने बताया है कंचा पाठ में कि एक छोटा बच्चा होता है अप्पू, ठीक है, उसका कंचों के प्रति बहुत ही उत्साह उन्होंने प्रदर्शित किया है कि कंचों के प्रति उसे बहुत रुचि थी, उसे बहुत उसके अंदर बहुत ही उत्साह था। ठीक है, अप्पू को मतलब उसे इतना अत्यधिक उसमें इतनी रुचि थी उसे कंचों में कि उसे हर जगह कंचे ही कंचे प्रतीत होते थे। ठीक है, और इसमें लेखक ने क्या किया है, बच्चों का जीवन, ठीक है, जो बच्चे हैं उनको क्या जीवन की वास्तविकता से उन्हें कोई सरोकार नहीं होता, वो वास्तविकता में नहीं जीते बल्कि अपनी ही दुनिया में रहते हैं। ठीक है, और जो अप्पू था वो अपने माता पिता की इकलौती संतान था, इस विषय में बताया गया है। और ये जो लेखक हैं टी पद्मनाभन, इन्होंने बाल मन की, मतलब इस पाठ में बाल मन की भावनाओं का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है कि जो बच्चे होते हैं वो अपनी ही दुनिया में रहते हैं, वो वास्तविकता से बिल्कुल भी सरोकार नहीं रखते, उनको वास्तविकता से बिल्कुल भी मतलब नहीं रहता, अर्थात वो कल्पना में ही जीते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मैं आपको इस पाठ के शब्दार्थ के विषय में बताऊंगी।